क्या जूम है? तुम लोगों को दिख रहा है ना, विजिबल है बोर्ड? किसी के विजन में हैम्पल तो नहीं कर रहा? ठीक, चलो तो हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं? नंबर सिस्टम। सर वो फीस वाली कौन सी जॉब है? वो कौन सी वाली? हाँ, फेज 11 फेज 10 होते हैं ना, अभी करते हैं इसके बाद। हाँ, अभी बताऊंगा क्लास के बाद, है ना। ऐसे फेज 10 फेज 11 ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है। एसएससी कंडक्ट कराता है, ठीक है। अभी पहले ये पढ़ लें, फिर अपन इस पे आएंगे। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं? बोलो हाँ या ना। हाँ, हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं? 0 to 9। तो टोटल कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं ना। तो नंबर्स क्या होते हैं? इन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से जो भी बनता है उसको क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। आया समझ में? तो पहले हम नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले नंबर की थोड़े सा अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि क्लासिफिकेशन नंबर को कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं, ठीक है, तो मैं दो टाइप में डिवाइड कर सकता हूं। एक को बोलूंगा रियल नंबर। रियल हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और दूसरे टाइप के क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर, ठीक। या इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अवास्तविक। हाँ, काल्पनिक भी कह सकते हैं। चलो काल्पनिक लिख दे रहे हैं, ठीक है। काल्पनिक संख्या, ठीक। अब डाउट ये आएगा कि ये रियल नंबर क्या होते हैं और ये काल्पनिक नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो इनको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं, रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं। सपोज ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। यहां बीच में क्या है? 0 है। यहां पे यहां जितने भी नंबर्स आएंगे ये पॉजिटिव आएंगे, और यहां जितने भी आएंगे सब क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, यहाँ पे 2, और ये कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या आएगा? और ये क्या? इन्फिनिटी, है ना। आया समझ में? हाँ, माइनस इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी पॉजिटिव साइड में, और ये क्या है? इन्फिनिटी नेगेटिव साइड में, ठीक है। तो अब ये सारे नंबर जिसको हम इस पे शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे, वो सारे क्या होंगे? रियल नंबर्स, है ना। आया समझ में? अब जैसे यहां जो नंबर लाइन पे दिख रहे हैं नंबर्स जो अभी मैंने लिखे, इन नंबर्स को देखते हुए मुझे एग्जांपल बताओ रियल नंबर्स के क्या क्या होंगे। क्या 1 होगा? बोलो हाँ या ना, है ना। अच्छा, एक यहां से एक हमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप ये करो कि अगर मैं 0 और 1 के बीच की बात कर रहा हूं, मतलब ये इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, बोलो हाँ या ना, इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे? हाँ, क्या होंगे ये 0 और 1 के बीच में? यहाँ पे क्या कितने नंबर्स हो सकते हैं? 0.9। और कोई बोलो। हाँ, तो 1/2 तो 0.5 हो गया। देखो, इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? सपोज जैसे अगर मैं बात करूं 0.01, क्या इन दोनों के बीच में आएगा? बोलो हाँ या ना। क्या 0.001 क्या इन दोनों के बीच में आएगा? क्या 0.0001 इन दोनों के बीच में आएगा? बोलो हाँ या ना। मतलब इसके बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं।
बोलो हाँ या ना, ये समझ में आया? 0.1 भी कहाँ आएगा? यही आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इस सब के बीच में भी कितने नंबर्स पॉसिबल है? इनफाइनाइट नंबर्स पूछे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस दुनिया में सबसे छोटा नंबर क्या है, तो क्या बोलोगे? सबसे, अच्छा मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन ये बोला, गलत बोला, क्वेश्चन ये समझो, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या है? जीरो को हम पॉजिटिव कंसिडर या ना ही पॉजिटिव कंसिडर करते हैं ना ही, तो लीस्ट पॉजिटिव नंबर इस नंबर लाइन के हिसाब से क्या होगा? 0.1। फिर इसकी बात क्या हो गई? ये तो उससे भी छोटा है 0.1 से, तो ये फिर इसका, तो इसका मतलब हम निकाल ही नहीं सकते हैं। सपोज आपने बोला कि भैया मैं घर गया और मैंने इतनी बार लिख दिया, ये सबसे छोटा होगा, पर इससे भी एक छोटा होगा, मैं आया और मैंने ये बोल दिया, तो हम कभी भी लीस्ट पॉजिटिव नंबर निकाल सकते। बोलो हाँ या ना। ऐसे हाईएस्ट नंबर निकाल सकते हैं क्या? बोलो हाँ या ना, नहीं निकाल पाएंगे। ये बात समझ में आई? तो क्या, हाँ संज्ञा आगे बढ़ती जाएगी, आया समझ में? तो यहाँ पे ये चीज समझ में आई कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको समराइज करूं, तो ऑल नंबर्स विच कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन, हो गए इसका डेफिनेशन। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होंगे? विच कैन नॉट बी शोन ऑन नंबर लाइन। अब ऐसे नंबर कौन से होंगे? आज तक कभी हम, अभी तक हम जो भी नंबर सुनते आ रहे हैं, 1, 2 point, अभी तक हमने जितना भी नंबर्स के बीच में खेला है, वो सारे नंबर्स तो इसमें शो कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जो इसमें शो नहीं कर पाएंगे? उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें भी एक आयोटा आता है। इसको क्या बोलते हैं? आयो, ये जो आई का सिंबल आता है, इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक है, तो ये आई का मतलब क्या होता है? रूट ओवर में माइनस वन। क्या मतलब होता है? रूट ओवर में माइनस वन। ठीक है, तो जहां पे भी तुम्हारा ए प्लस माइनस आयोटा बी का फॉर्म आ जाए, बोलो हाँ या ना, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। बोलो हाँ या ना। अब इमेजिनरी नंबर की कहानी यहां खत्म हो गई। बोलो हाँ या ना, खत्म हो गई। तो वापस इस पे आते, रियल नंबर्स पे, सॉरी, हाँ, 2 plus iota 3 एग्जाम्पल। ठीक है, आयोटा को क्या लिखेंगे? रूट ओवर माइनस वन। ऐसी, तो हमारे सिलेबस में ये है नहीं, मैंने एक जनरल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपका, कि भैया दो टाइप के नंबर होते हैं, इसलिए बताया है। हमको पढ़ना क्या है सिर्फ, हमको किससे मतलब रखना है? रियल नंबर से। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब अभी तक हम जो भी संख्या पढ़ते आ रहे थे, वो सब जब मैंने बोला कि रियल नंबर हो सकती है, तो अब रियल नंबर के अंदर क्या क्या हो सकता है? ठीक, रियल नंबर्स, अभी जो हमने यहाँ नंबर लाइन में देखा, ये सारे नंबर्स थे। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या हो सकते हैं? रियल नंबर के अंदर हो सकते हैं रैशनल और इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। बोलो हाँ या ना। ठीक, अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? वो सारे नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू इंटीजर, ये I डिनोट्स इंटीजर। ठीक, I डिनोट्स क्या? इंटीजर। और Q क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे हमको ये कंफ्यूजन ये हो रही है कि सबसे पहले यहाँ पे 2, 3, 4 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टर्म्स आ गए क्या? एक इंटीजर आ गया, फिर उसके बाद ये Q नॉट इक्वल्स टू जीरो क्यों हो गया, और प्लस ये रैशनल नंबर और ये इरैशनल नंबर, ये 2, 3, 4 एकदम से चीजें आ गई। तो पहली बात तो इंटीजर समझो, इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर का अगर मैं हिंदी मीनिंग में करूं तो क्या बोलते हैं? पूर्ण अंक, जिसमें बेसिकली डेसिमल नहीं होता, जो अपने आप में पूर्ण है। बोलो हाँ या ना, तो उनको क्या बोलेंगे? पूर्णांक, मतलब क्या बोलेंगे? इंटीजर। ठीक है, तो मतलब पी और क्यू मेरे पास क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर सपोज मैं एक टर्म लिखता हूं 1/0, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड, हाँ इनफाइनाइट भी बोलते हैं, या क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। तो जब ये डिफाइंड ही नहीं है, तो हम उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? इसलिए क्यू नहीं, क्या नहीं होना चाहिए? ठीक है, इसके बाद क्यू कुछ भी हो सकता है,
जीरो छोड़ के, बोलो हाँ या ना। हाँ हिंदी में बोल, भिन्न नहीं बोलते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। ठीक, परी अपरिमेय संख्या। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब ये समझ में आया क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो क्यों नहीं हो सकता? हाँ, क्योंकि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब नॉट डिफाइन अगर हो गया तो हम उसको क्लासिफाई ही नहीं कर पाएंगे, बोलो हाँ या ना। अब जैसे ही हमने ये चीज देखी p अपॉन q के फॉर्मेट में, तो ये दो चीज आ सकती है। क्या आ सकती है? या तो एक प्रॉपर ये नंबर आ जाए, बोलो हाँ या ना। सपोज मैंने q की वैल्यू क्या रख दी? 1, तो ये एक प्रॉपर नंबर आएगा, तो उसको मैंने क्या बोल दिया? इंटीजर, बोलो हाँ या ना। तो इसको अगर मैं करूंगा तो ये क्या क्या हो सकते हैं? इंटीजर हो सकते हैं, बोलो हाँ या ना। हाँ ठीक है, अब इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बोलो हाँ या ना। फिर ये क्या हो सकते हैं? ये जीरो भी हो सकता है, क्योंकि पी क्या हो गया? पी को अगर मैंने जीरो रख दिया तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? जीरो बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेंगे? पॉजिटिव नंबर्स, है ना। या पॉजिटिव नंबर्स की जगह मैं यहाँ पे रख दूंगा क्या? नेचुरल नंबर्स। बोलो क्या रख दिया मैंने? या दो मिनट रुको, इससे भी पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको और वो कर देते हैं। अभी ये यहां पे छोड़ो, ये एक तो इंटीजर बना और एक क्या बना? फ्रैक्शन। ठीक, एक इंटीजर बना और एक क्या बना? फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? और इंटीजर को क्या बोलते हैं? आया समझ में? अब जब मैं वापस एक बार इरेशनल नंबर पे आता हूं, अभी अगर सपोज ये प्रॉपर एक इंटीजर आ रहा है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ऐसे जितने भी नंबर्स जिसको हम किस उसमें रख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में कर सकते हैं, तो वो क्या होंगे? वो रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक ठीक है, मैं थोड़ा अलग से रैशनल नंबर्स को डिफाइन कर लूं। देखो मैंने ये बोला कि मुझे क्या फॉर्मेट चाहिए? p अपॉन q चाहिए, बोलो हाँ या ना। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, p और q अगर इंटीजर होंगे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं मेरे पास? एक तो ये आ जाएगा कि ये क्या रहे? टर्मिनेटिंग नंबर रहे। क्या रहे? टर्मिनेटिंग नंबर रहे। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल 1.125, ये टर्मिनेट हो गया भाई, 5 के बाद कुछ और डिवाइड आ रहा है क्या? तो ये क्या, ये खत्म हो गया, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ इसको? टर्मिनेटिंग। फिर ये एक क्या हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो सकता है? नॉन, क्या हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप का हो सकता है। कैसा हो सकता है? एक तो हो जाए 0.3333, बोलो हाँ या ना। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? रिकरिंग, है ना। रिकरिंग क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये जो तीन है ये बार 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 रिपीट हो रहा है। ये कैसे आता है 0.33? ये 1/3 हो रहा है। बोलो p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, क्या ये रैशनल नंबर है? क्या q नॉट इक्वल टू जीरो है? है ना, नहीं है। तो इसलिए क्या ये रैशनल नंबर हुआ? तो अब ये क्या हुआ? रिकरिंग हुआ, है ना। स्पेलिंग सही से लिख देता हूँ, recurring। क्या हुआ? रिकरिंग। और एक क्या हो सकता है? नॉन रिकरिंग। एक क्या हो सकता है? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.12576 9 समथिंग एंड सो एन एंड सो फोर्थ, है ना। इसमें बेसिकली नॉन रिकरिंग क्या है? इसमें कुछ भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? 333 बार बार आ रहा है। इसमें कोई भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? नहीं, बोलो हाँ या ना। तो जितने भी मेरे ये वाले नंबर्स हैं, कौन से? या तो टर्मिनेटिंग हो नंबर, बोलो हाँ या ना, या तो क्या हो, और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग हो, वो सारे क्या होंगे? रैशनल नंबर। लेकिन जैसे ही मेरे अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आ गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर।
मतलब अगर इन दोनों का जोड़ है किसका, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस, तो ये क्या बन जाएंगे, इरेशनल नंबर। ये बात समझ में आई है ना, इरेशनल। हमने सर्ड्स पढ़ा है, सर्ड्स लॉ ऑफ सर्ड्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने रूट ओवर ए को क्या लिखा था, ए की पावर 1/2, है ना। बेसिकली ये कंसेप्ट यहीं से आया, इरेशनल नंबर से, ठीक। सर्ड्स, इंडाइसेस और सर्ड्स पढ़ा है ना, हाँ, घातकांक और करनी। तो जो करनी पढ़ा है उसका कंसेप्ट यहीं से आया है, ठीक है। कहां से आया है, यहीं से, क्योंकि हम रूट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रूट टू की बात करूं, है ना, तो ये क्या होता है, ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये 1.414 तो हम इसको अप्रोक्सीमेट लेते हैं, लेकिन ये नेवर एंडिंग है और इसमें कोई एक पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा। मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है प्लस नॉन रिकरिंग भी है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर। ये बात समझ में आई। तो जहां पे भी ये रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम एक बार से डिनोट कर देते हैं, मतलब इसको हम 0.3 की पार बार भी कर सकते हैं, है ना। ये दोनों चीजें सेम है, ये बात समझ में आई। अब मैं जब यहां पे था, मैं कहां था, रैशनल पे, है ना। ठीक है, एक काम करो, जरा मुझे रैशनल के एग्जाम्पल बताओ। चलो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, बताना रैशनल होंगे कि नहीं, ठीक। जैसे मैंने लिखा 2/3, क्या ये रैशनल नंबर होगा, हाँ। कैसे पहचाना हमने भाई, P हमारा क्या है, 2 है, Q हमारा क्या है, क्या ये दोनों, क्या ये दोनों पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में, क्या पी और क्यू इंटीजर है, और क्या क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसके लिए ये क्या होगा, ठीक है। मैंने बोला -1.04 है ना, टर्मिनेटिंग बोल दिया, लेकिन ये साथ में क्या है, माइनस, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा, कितने बोल रहे होगा, कितने बोले नहीं होगा, होगा, कितने बोल रहे नहीं होगा, मतलब नहीं बोल रहे, मतलब 4 लोग बोल रहे नहीं होगा, पक्का होगा, क्यों होगा, माइनस साइन से। देखो भाई, इसको मैं समथिंग एक फ्रैक्शन में तो लिख पाऊंगा ना, कैसे लिख पाऊंगा, ये हटा के यहाँ पे, तो अल्टीमेटली मेरा क्या बनेगा, 52/50, और उसको काट देंगे तो 26/25 बनेगा, बोलो हाँ है ना। तो माइनस का क्या बना, क्या माइनस 26 इंटीजर है, क्या प्लस 25 इंटीजर है, क्या क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये भी क्या होगा, क्या होगा, रैशनल नंबर, ठीक है। मैंने बोल दिया सिर्फ 4, क्या ये रैशनल नंबर होगा, क्यों, 4/1 लिख सकता हूं, आया समझ में, तो ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। इरेशनल की एग्जांपल बोलो तो क्या होगा, जैसे रूट टू हो गया या रूट थ्री हो गया, अब नहीं नहीं अगर रूट फोर हो गया तो फिर हाँ, 2√2 भी इरेशनल होगा, क्यों, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो एक रूट टू का एलिमेंट प्रेजेंट है वो नेवर एंडिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, हाँ ठीक, आया समझ में। अब वो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक, क्या तो वो तो 3 आ गया, क्यूब रूट ना, हाँ तो वो क्यों होगा, इरेशनल। ऐसे जितने भी नंबर्स जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। अब जब ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो मुझे बताओ पाई क्या होगा, पाई को क्या बोलते हैं, पाई समझ गए, पाई कौन सा वाला पाई, जो मैथमेटिक्स में यूज होता है ना, क्या बोलते हैं, चलो मुझे बताओ, मुझे ये बताओ, अरे हाँ, और पाई क्या होगा, पहले ये बताओ कितने लोग बोल रहे हैं रैशनल होगा, हाथ उठाओ, हाँ कैसे होगा, लॉजिक बताओ, इसको मैंने क्या बोल दिया है, और ये बराबर क्या है,
ठीक है, आप सब गलत हो। क्यों गलत हो? देखो, हाँ हाँ देखो, मैं अभी बता रहा हूं, पाई जो है ये हमने अप्रोक्सीमेटली कर दिया उसको 22/7। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 3.145 समथिंग समथिंग सो एंड एंड सो फोर्थ बहुत लंबा तक जाता है, और ये अभी आज तक इस दुनिया में पाई का एंड डिजिट कोई नहीं निकाल पाया है। ट्रिलियन प्लेसेस तक निकाल चुके हैं, समझ गए? कहां तक निकाल चुके हैं? ट्रिलियन प्लेसेस तक। तो जिसके पास कोई काम ना हो वो इसकी वैल्यू निकालने बैठ जाए। ठीक आया समझ में? तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस नॉन रिकरिंग है, इसलिए हम इसको काय में क्लासिफाई करेंगे, इर। अब तुम्हारे मन में सवाल आया होगा तो हम इसको 22/7 क्यों ले लेते हैं? आया होगा अप्रोक्स, इसलिए लेते हैं क्योंकि दसवीं में जब हम सरकमफेरेंस निकालने को आता है हमको सवाल, तो हम ये तो निकालने बैठेंगे नहीं, ना इतना याद कर पाएगा बच्चा। तो उसने क्या किया भैया कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली कि इससे सॉल्व कर लो आंसर। आया समझ में? इसीलिए आप कभी भी कंफ्यूज हो गए कि पाई को काय में रखेंगे, थ्री पॉइंट वन फोर नहीं, काय में रखेंगे, इर्रेशनल में रखेंगे। ये बात समझ में आई? अब वापस इस पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। अगर मैं ये बोलूं कि मेरा ये इंटीजर और फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है, अब वापस में आऊं तो इंटीजर क्या क्या हो सकते हैं? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं? ये एक नंबर्स होंगे नेगेटिव में, नंबर लाइन पे एक जीरो होगा और एक क्या होगा? पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना, है ना? ये क्या होंगे? पॉजिटिव। बोलो आया समझ में? ठीक है, तो ये वाले जो साइड है इसको हम क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव। ये वाले जो साइड है इसको पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव ना कह के हम क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब नाम नेचुरल नंबर क्यों है? देखो, इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या आएगा? प्रा, स्पेलिंग सही लिखिए, चलो छोड़ो 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 छोड़ो, मैं रट के नहीं आया। ठीक है, चलो क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। चलो इधर देखो, क्या बोलेंगे? प्राकृतिक से मतलब क्या? प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या? हमारे आसपास जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो सारे नंबर्स जो हमारे नेचर में थिंग्स जितनी भी प्रेजेंट हैं उनको काउंट करने के लिए जो भी नंबर्स यूज होते हैं उन सबको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। आया समझ में? जैसे कि 2। अब समझ में आया कि 0 नेचुरल नंबर में क्यों नहीं रखते? क्योंकि या तो वो चीज होगी, और होगी तो एटलीस्ट 1 होगी। बोलो हाँ या ना? 0 कोई चीज होगी क्या? या तो होगी या तो नहीं होगी। ये बात समझ में आई? अब ये नेचुरल नंबर्स कहां तक जा सकते हैं? इनफाइनाइट। ये बात समझ में आई? तो अगर जैसी मैं इन दोनों को जोड़ दूं, मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर को जोड़ दूं, तो ये क्या बनेंगे? होल नंबर्स। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ये सही लिखा? ठीक, पूर्ण संख्या। आया समझ में? आप कभी कंफ्यूज हो गए कि नेचुरल क्या होते हैं और होल क्या होते हैं? क्या होते हैं नेचुरल? 1 से लेके स्टार्ट हो रहे हैं, 1, 2, 3 और कहां तक जा रहे हैं? और ये 0 के साथ मिलके क्या बना देंगे? ये बात समझ में आई? ठीक है, अब नेचुरल हो गया, 0 हो गया, पॉजिटिव हो गया, रियल हो गया, है ना? अब आते हैं फ्रैक्शन बचा हमारा अभी। ठीक, फ्रैक्शन पे आओ। जब हम फ्रैक्शन पे आएंगे तो फ्रैक्शन देखो 3 टाइप के हो सकते हैं। एक हो जाए प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या हो जाए? एक हो जाए इम्प्रॉपर, और एक हो जाए मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या? मिक्स्ड। ठीक, इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या? हाँ, जैसे एग्जाम्पल क्या? 2/5, है ना? इम्प्रॉपर को क्या बोलते हैं? जिसमें देखो, बेसिकली किसी भी फ्रैक्शन को हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a को क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा किससे, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/3,
क्या ये प्रॉपर होगा? हाँ, तो न्यूमरेटर छोटा है ना डिनोमिनेटर से, तो सही तो है, तो होगा। इम्प्रॉपर क्या होगा? जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे, तो जैसे कि 5/4। आया समझ में? तो एक मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, बताओ सच ट्रू है कि फॉल्स है। वो सारे नंबर्स, ठीक है, सॉरी, सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे। आया समझ में? और वाइस वर्सा भी, सारे मिक्स फ्रैक्शन क्या होंगे? इम्प्रॉपर। ये बात समझ में आई क्या? एक ही बात होगा तो लिखने का तरीका भी तो अलग अलग है ना, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये 5/4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 1 1/4। आया समझ में? है ना। अब 1 1/4 का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है कि 1 + 1/4। बोलो हाँ या ना, इसका मतलब क्या होता है? अब ये अगर हमको समझ है कि अगर मैं 1/4 को ऐसे लिख पा रहा हूं, तो हमको ये सिंप्लीफिकेशन में बहुत आसानी कर देगा। कैसे कर देगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को आ गया 2 2/3 + 4 1/3 - 6 = क्या होगा? ठीक। अब एक तरीका है, तो इसको पहले सॉल्व करो। क्या आएगा? 6 + 2 क्या बनेगा? 8/3। ये क्या बनेगा? 13/3। तो 8 और 13 कितना बन गया? 21/3। और यहाँ पे हमको क्या माइनस करना है? तो 21/3 मतलब क्या बना? 7। 7 - 6 मतलब अल्टीमेटली क्या बना? 1, है ना। अब लेकिन इसको जब हमको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि 2 2/3 का मतलब क्या है, 2+, इसका मतलब क्या होगा, 4+, और ये -6 का 6 यही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इंटीजर इंटीजर जोड़ लेंगे। 2 + 4 कितना बना? और ये 2/3 और 1/3 मिलके क्या बना? -6। ये कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या बना? ये भी 7 - 6 वही आता। ये बात समझ में आया? तो इसको हम डायरेक्टली कैसे यूज करेंगे, जैसे ही हमको ये सब आया, तो हमने 2 + 4 किया, कितना आया? फिर हमने 2/3 + 1/3 किया, क्या आया? 1। तो ये मिलके क्या बना दिया? 7 में से 6 घटा दो, मतलब आंसर क्या आएगा? ये इसका यूसेज है, एप्लीकेशन है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब रैशनल इरेशनल हो गया, फ्रैक्शंस हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया मोटा मोटा क्लासिफिकेशन, नेचुरल होल नंबर्स, ठीक है। अब एक क्लासिफिकेशन आता है फैक्टर्स के बेसिस पे। तो उसके पहले हम ये समझते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक। क्या बोला मैंने? फैक्टर एंड सपोज मैंने कोई एक नंबर बोला 12, ठीक है। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे और 12 के मल्टीपल क्या होंगे? तो देखो, फैक्टर वो सारे नंबर होंगे जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। क्या कर दे? डिवाइड कर दे। सबसे पहला नंबर क्या होगा? 1 खुद होगा। बोलो हाँ या ना, ओके। क्योंकि 1 12 को डिवाइड कर देगा। फिर क्या होगा? फिर तो ये सारे नंबर्स, बोलो हाँ या ना, इस नंबर को डिवाइड कर पा रहे हैं, बोलो, ठीक है। और मल्टीपल क्या होंगे? जो इसकी टेबल में आएंगे, जैसे 12 एक खुद होगा, फिर 24, फिर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आया समझ में? तो अभी मैं फैक्टर्स और मल्टीपल पे सिर्फ यहीं रुक जाऊंगा, आगे जब हम एलसीएम और एससीएफ करेंगे तब डिटेल में बात करेंगे और ज्यादा। लेकिन हमको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, फैक्टर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड, और मल्टीपल क्या होंगे? वो सारे नंबर्स जो नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, इसमें डिवाइड कर दें और इसमें डिवाइड, और यहां पे डिवाइड कर दे। ये बात समझ में आई? क्या समझ में आई? एक बार रिपीट करो, फैक्टर्स क्या होंगे? वो सारे नंबर्स, ठीक है, और जो डिवाइड हो जाए, ये मल्टीपल होंगे। आया समझ में? ठीक है, ये मेरा मल्टीपल हो गए और ये मेरे फैक्टर्स हो गए। अब जब ये बात समझ में आ गई, तो सपोज मैं एक यहाँ पे नंबर लिख रहा हूं, ये मैंने लिखा 2। अभी मैं सिर्फ फैक्टर्स की बात करूंगा, ठीक है। तो 2 खुद से भी डिविजिबल है, और 2 किससे डिविजिबल है? 2 से। मैं लिख रहा हूं 3, तो यहाँ ये 1 और 3 है ना।
अब मैंने बोला फोर, तो ये किस किस से, वन टू और फोर से, मैंने लिखा फाइव, ये क्या है वन और फाइव से, मैंने क्या लिखा सिक्स, ये किस से, वन टू थ्री और सिक्स से। तो क्या मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर जैसे सपोज मेरे पास कोई एक नंबर है तो सबसे पहला नंबर क्या होगा, वन, और उसके बाद वो खुद नंबर होगा। इस केस में, इस केस में भी नंबर वन है और वो नंबर खुद है, लेकिन जैसे यहाँ पे ये फोर आया तो वन और फोर तो थे लेकिन बीच में कुछ और फैक्टर्स थे। अब बीच में कुछ और फैक्टर्स हो भी सकते हैं, और तो जब मेरे ये फैक्टर्स हैं मतलब सिर्फ वो या तो खुद एक नंबर है या तो वन है, ऐसे नंबर्स को मैं क्या बोल दूंगा, प्राइम नंबर्स। क्या बोल दूंगा, प्राइम नंबर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी संख्या जो खुद से डिविजिबल है या फिर वन से है। बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आई। क्या थ्री अभाज्य संख्या होगी, क्यों, क्योंकि थ्री खुद से भी है और वन से भी है। क्या फोर अभाज्य संख्या होगी, तो अभाज्य संख्या नहीं होगी तो इसको नाम क्या दे दिया, कंपोजिट नंबर। क्या दे दिया, कंपोजिट। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, जिसके एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, आया समझ में, एक या एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, आया समझ में, तो ये क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं, भाज्य। ठीक, आया समझ में। फाइव क्या होगा, ये क्या होगा, कंपोजिट। ये बात समझ में आई। तो अगर मैं फैक्टर्स और मल्टीपल के बेसिस पे डिवाइड कर क्लासिफाई करने की कोशिश करूं तो कैसे क्लासिफाई कर सकता हूं, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब जब ये बात समझ गए तो हम प्राइम नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या प्राइम नंबर्स, तुम लोग ना अभी समझते चलो, ये अगर नोट्स बनाने हो तो वीडियो से बना लेना, है ना, इसमें कुछ ऐसा समझने का है नहीं, और पीडीएफ में ये सब डेफिनेशंस दी हुई हैं जो पीडीएफ डली है ग्रुप में। ठीक है, अभी वही मैं यहाँ पे खोलूंगा अभी। ठीक, प्राइम नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी पे आते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर वो सारे नंबर होंगे जो वन से या फिर खुद से डिविजिबल है। अच्छा, एक काम करो, दो मिनट पहले वापस आते हैं यहाँ पे। जब मैंने ये चीज लिखी है आपके सामने, क्या लिखी है, कंपोजिट और प्राइम, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बताना ट्रू है कि फॉल्स है। क्या लिखा मैंने, ऑल नेचुरल नंबर्स या तो प्राइम होंगे या फिर कंपोजिट होंगे। हाँ, कितने लोग प्रूव बोल रहे हैं, हाथ उठाओ। हाँ ठीक है, कितने लोग नहीं बोल रहे हैं भाई, मतलब जिनने हाथ नहीं उठाया वो बोल रहे हैं कि नहीं होगा। हाँ, ये इसका मतलब है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं या तो वो या तो अभाज्य होंगी। अब ये बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, हाँ ट्रू है सबके हिसाब से, आप सब गलत हो। क्यों गलत हो, नेचुरल नंबर सबसे पहला नंबर क्या होता है, क्या होता है, ये भाई साहब कहाँ चले गए, वन ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अभी मैंने डेफिनेशन क्या बताई, प्राइम नंबर्स क्या होंगे, जिनकी जो खुद से डिविजिबल हों और वन से हों। बोलो हाँ या ना, ये तो खुद से ही, मतलब ये तो वन ही से बस है, मतलब दोनों चीज इस केस में क्या है, सेम चीज है ना। और कंपोजिट क्या, इससे क्या इसके एक से ज्यादा फैक्टर्स हैं, नहीं है। तो वन को हम क्या बोलते हैं, ना ही, बोलो, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये बात समझ में आई, तो वन को हम क्या बोलेंगे, ना ही कंपोजिट है। ये बात समझ, हाँ, ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट वन, तो फिर स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आते हैं प्राइम नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पे। देखो, हर एक प्राइम नंबर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, सिक्स एन प्लस माइनस वन,
और जो n है वो मेरा बिलोंग करेगा 1 2 3 और ये, ठीक है, n क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब एक छोटी सी मैंने गलती कर दी बोलने में कि हर एक प्राइम नंबर को नहीं, हर एक प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 और 3, हर एक प्राइम नंबर एक्सेप्ट क्या 2 एंड 3, उसको मैं किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इस फॉर्म में, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल बना लेता हूं, यहां मैंने क्या कर दिया 6n plus 1 और यहां क्या कर दिया, सपोज n equals to 1 रखो, क्या आएगा यहां पे 7 आएगा और यहां पे क्या आएगा 5, बोलो हाँ है ना। तो 2 और 3 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, बोलो हाँ है ना, ये दिख गया। n equals to 2 रखो, 13 यहां पे, वेरी गुड। n equals to 3 रखो, यहां क्या आएगा 19, यहां क्या आएगा, ठीक है। n equals to 4 रखो और यहां पे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुई, कुछ नहीं हुई, ये कैसे आ गया, ये प्राइम है हाँ। तो मैंने क्या बोला कि हर एक प्राइम नंबर को या तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं या तो इस फॉर्म में, लेकिन इस फॉर्म में आने वाला हर एक नंबर प्राइम नहीं होगा। कैसे, 25 इस फॉर्म में आ रहा है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन अगर प्राइम नंबर है तो पक्का इन दोनों में से किसी एक फॉर्म का होगा, बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आई हाँ। मैंने ये बोला कि अगर कोई भी नंबर इस वाले फॉर्म में आ रहा है या फिर इस वाले फॉर्म में आ रहा है, वो जरूरी नहीं कि प्राइम ही हो, प्राइम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर प्राइम नंबर है तो वो या तो ये हो, मतलब या तो इस फॉर्म में पक्का आएगा या फिर इस वाले फॉर्म में पक्का आएगा, बोलो हाँ या ना, आया समझ में, ठीक, पीछे आया समझ में, ठीक है। अब जब मैंने ये बात कह दी तो देखो यहां पे अगर तुम n इक्वल्स टू 1 रख रहे हो तो यहां पे तुम्हारे पास एक वैल्यू 7 आ रही है और एक वैल्यू 5 आ रही है, क्या इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन है, कॉमन है कुछ भी फैक्टर्स में, फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन है, मतलब 1 को अलग करके कुछ और कॉमन है क्या, नहीं। तो ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है उसको मैं क्या बोलता हूं, को प्राइम्स, को प्राइम नंबर्स, है ना। ये भी क्या होंगी 13 और 11, ये भी क्या होंगी को प्राइम के और एग्जांपल, जैसे 24 और 17, इन दोनों में कुछ एक कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या होंगे को प्राइम, आया समझ में। ऐसा जरूरी नहीं कि को प्राइम्स निकालने के लिए हमको दोनों नंबर्स क्या चाहिए, प्राइम, एटलीस्ट एक प्राइम होना चाहिए और दूसरा नंबर उस प्राइम नंबर का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ये बात समझ में आई। जैसे यहाँ पे 24 है, 24 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 24 और 17 मिलके को प्राइम्स बना रहे हैं क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। चलो ये समझ में आया कि हर एक प्राइम नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो ये या तो, ठीक। अब जैसे अब ये प्राइम नंबर्स आ गए और ये आ गए, ऐसी हम एक और क्लासिफाई क्या कर सकते हैं, इवन और ऑड नंबर्स में, बोलो हाँ या ना। अच्छा एक चीज बताओ, अभी जब मैं प्राइम नंबर की इतनी महाभारत गाथा गा रहा हूं तो प्राइम नंबर्स का सबसे छोटा एग्जांपल बताओ क्या होगा, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, फिर उसके बाद है, अब भी मैंने बताया 1 क्या होता है, ना ही प्राइम ना ही, सबसे पहला क्या, फिर उसके बाद, फिर अब जब ये सब मैं लिख रहा हूं तो यहाँ पे कुछ चीज एक समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है कि 2 एक यहाँ पे 2 बस क्या है, बाकी ये सारे क्या है, क्या इसके आगे जाने पे हमको कोई एक इवन प्राइम नंबर मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। अच्छा क्या बोल, कितने बोल रहे हैं कि मिल सकता है, हाँ शायद मिल सकता है, कितने बोल रहे हैं नहीं मिल सकता, मुझे रीजन देना, हाँ वेरी गुड। इसका मतलब देखो, मैंने प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन पकड़ो, क्या या तो वो खुद से हो या फिर 1 से हो। सपोज आगे कोई एक नंबर है 3 1 5 7 4, बोलो हाँ या ना,
भाई इसको सपोज मुझे चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं है, पर इसके जब फैक्टर निकालोगे तो उसमें ऑलरेडी एक टू तो आ ही जाएगा ना, और ये नंबर खुद रहेगा, बोलो हाँ या ना। तो दो से ज्यादा वो हो गए फैक्टर्स, तो ये कभी भी प्राइम हो पाएगा इवन नंबर, क्योंकि ये टू का फैक्टर तो आएगा इवन में, क्योंकि इवन वो सारे नंबर्स होते हैं जो टू से, बोलो हाँ या ना। इसलिए टू इकलौता इवन नंबर है जो कि साथ ही साथ क्या है, बोलो हाँ या ना। इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स वो सारे क्या हैं, ये बात समझ में आई? ठीक है, एक से लेके 50 तक में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? हाँ, और एक से लेके 100 तक में 25। ठीक, एक से लेके 50 तक में कितने प्राइम नंबर्स हैं? 15। ठीक, क्या क्या हो गए वो, 2, 3, फिर आगे 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, फिर 37, 41, फिर 47। ठीक है, गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गए 15। और इसके ऊपर जब जाते हैं 1 to 100, बोलो हाँ या ना, तो ये कितने होते हैं टोटल? 25। इसका मतलब 51 से लेके 100 तक में कितने होते हैं? 51 to 100 टोटल कितने होंगे? 10। ये बात समझ में आई? इस डेटा का बहुत यूज हो सकता है, बोलो हाँ या ना। हो सकता है, कैसे हो सकता है? आपको बोल दे कोई एक नंबर है यहां से यहां तक के प्राइम नंबर्स हैं, बताओ नंबर नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन दिस टू दिस। आपको बोल दे, क्या बोल दे कि 51 से लेके 60, 51 से लेके 70 तक बताओ कितने प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक, या तो गिन भी सकते हैं, या 51 से 100 तक के ही निकालने को बोल दे भाई। तो अगर आपको ये मालूम है, ये मालूम है, तो 51 to 100 नहीं निकाल पाओगे, निकाल पाओगे, है ना? आया समझ में? ठीक है, ये कहानी क्लियर हुई। अब कंपोजिट प्राइम हो गया, ठीक है, इवन ऑड कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, रैशनल इरेशनल हो गया। अब आते हैं हम किस पे, डिविजिबिलिटी रूल, किस पे, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, विभाजित, क्या निर्भाजिता, क्या होता है? हाँ ठीक, ठीक है, चलो समझ गए ना, भावनाएं समझ गए ना, ठीक है, चलो ठीक है। आप लोग यहां से लिखना चाहो तो चालू कर सकते हो, हालांकि उसमें भी है, लेकिन समझते जाओ। जब सपोज मैं अपना ही नंबर लिख देता हूं, क्या ठीक, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पूरे गणित में काम आना है, बोलो हाँ या ना। जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो हम ये बोल देते हैं ना कि यार ये 4 से चला जाएगा 5 से चला जाएगा, कैसे आता है ये? इससे आता है, कैसे आता है? देखो हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या, नंबर, और यहाँ पे उसका क्या लिखते हैं, रूल। और अभी इस नंबर को भी हम चेक करते जाएंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले 1 का रूल क्या होगा, 1 क्या सारे नंबर्स को डिवाइड करेगा, बोलो हाँ या ना। तो 1 का कुछ रूल नहीं होता, 1 सारे नंबर्स को डिवाइड करेगा, मतलब इसको भी करेगा, ठीक। 2 की बात करते हैं, तो यहां पे क्या होता है रूल, नंबर शुड बी, अरे लास्ट डिजिट शुड डिवाइड या शुड बी डिविजिबल बाय 2, शुड बी डिविजिबल बाय 2। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लास्ट डिजिट क्या है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? इसके लिए क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। आया समझ में? 3 की बात करते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिजिटल जो सम है, डिजिटल सम, ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होना। अब डिजिटल सम का मतलब क्या, ये जितने भी इसमें डिजिट्स हैं, मतलब 7 + 6 + 1 + 0 + 1 + 4 + 0 + 0 + 0 + 7, इसको क्या बोलेंगे हम, डिजिटल, मतलब डिजिट्स का सम।
आया समझ में? बोलो आया ना। तो ये कितना आ रहा है, 7 और 6 13, 1 14, 14 और 1 15, 15 और 4 19, 19 और ये मिला के कितना आया 26। क्या 26 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल, ये बात समझ में आई। 4 से देखते हैं, चार से डिविजिबल क्या होता है, लास्ट के जो दो डिजिट्स होते हैं, लास्ट टू डिजिट्स है ना, शुड बी डिविजिबल बाय 4 और 00। इसका मतलब ये कि ये जो मेरा नंबर था यहां पे, ये वाला नंबर, या तो ये ऐसा हो जाता, क्या हो जाता, या तो 00 हो जाता, या फिर यहाँ पे लास्ट के दो डिजिट क्या है, 0, क्या 07 डिविजिबल बाय 4 है? इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा। ये बात समझ में आई? नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा। 5 से देखो, 5 का क्या होता है, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट या तो 5 या फिर, ये बात समझ में आई? क्या ये नंबर है, ये नंबर था, क्या ये नंबर डिविजिबल है 5 से? तो हमने यहां पे भी काट दिया। अब 6 पे आ जाओ, 6 का क्या रूल होता है, या तो 2 से या फिर 3 से। क्यों करते हैं, अगर मैं ये 6 को करूं फैक्टर्स में, तो क्या कर सकता हूं, 2 × 3। अगर मुझे 6 से डिवाइड करना है, तो मुझे 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, और इसका मतलब जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। या तो सिर्फ 2 से हो या सिर्फ 3 से हो, तो वो डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा। ये बात समझ में आई? अब ये वाला जो नंबर था अपना, अभी बता रहा हूं, अब ये जो नंबर था अपना वाला, ये 3 से भी नहीं था और 2 से भी नहीं था, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। आप देखो, जैसे सपोज मैं एक नंबर ले रहा हूं 18, नहीं सॉरी, मैं एक नंबर ले रहा हूं आपका 16 ले लेता हूं, ठीक। 16 देखो 2 से डिविजिबल है क्या, 3 से, इसलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं है। क्या 6 की टेबल में 16 आता है? अब आया क्लियर समझ में? इसका मतलब मुझे ऐसा नंबर चाहिए, जैसे 18 मैंने बोला, 18 2 से भी है, बोलो आया, और 3 से भी है, इसलिए ये 18 6 से भी है। कैसे, 6 * 3 = 18। आया समझ में? तो हमको अगर कोई भी नंबर 6 से डिविजिबिलिटी देखना होगा, तो हम क्या देखेंगे, वो 2 से भी होना चाहिए, और किसी एक से हो रहा है, किसी दूसरे से नहीं हो रहा, तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। सातवें को स्किप करेंगे, क्योंकि सातवें का रूल बहुत, मतलब जितनी देर में रूल लगाएंगे उतनी देर में डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, 8, ठीक। 8 का मतलब क्या, जैसे हमने 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स देखे थे, इसमें क्या देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स है ना, ये क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाय या फिर 1 2 3 0 होने चाहिए, है ना। हाँ, 000 होगा, जैसे 1000 डिविजिबल बाय 8 है ना, बोलो आए ना। 12800 क्या होगा, डिविजिबल बाय 8 होगा कि नहीं होगा, हम क्या देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, क्या आ रहा है, 800 आ रहा है, क्या 800 डिविजिबल बाय 8 है, तो इसका मतलब 12800 भी डिविजिबल बाय 8 होगा। ये बात समझ में आई? क्या ये वाला नंबर जो हमारा लिखा था डिविजिबल बाय 8 था, ये था आखिरी में 007 जेम्स बॉन्ड, ठीक। सुना है कि नहीं, मेरा कॉलेज में रोल नंबर भी यही था इसलिए सब मुझे जेम्स बॉन्ड बुलाते थे, ठीक। अब 9 पे आ जाओ, जैसे हमने किसको देखा, 3 को देखा, तो उसमें डिजिटल सम क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3, तो इसमें डिजिटल जो सम है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 9। क्या ये नंबर में 26 आ रहा था, 26 डिविजिबल बाय 9 है,
तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 9 नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। अब 10 का क्या होता है, लास्ट डिजिट डिजिट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, अब लास्ट एक और देखते हैं 11। उसके बाद हमको एज सच कुछ रूल देखने की जरूरत है नहीं। सपोज अगर डिविजिबल बाय 14 आ गया, तो जैसे हमने 6 में लगाया क्या 2 और 3, वैसे 14 में किस किस का लगाएंगे 7 और, सपोज आ गया डिविजिबल बाय 72 तो क्या करेंगे 8 और 9। ये बात समझ में आ रही है। 13 का भी डिवाइड करके देख लो ज्यादा बेटर है ना भाई। वैसे भी मैंने आपको बोला ही कि 20 तक की टेबल याद कर लो, तो अगर ये आपको याद कर लिया तो 13 और 17 में तो दिक्कत जाएगी नहीं जाएगी, किसमें अगर डिविजिबल बाय 72 आ गया, तो 72 कैसे करोगे 8 और 9। आया समझ में, बोलो है ना। ठीक है, आपको डिविजिबल बाय मान लो आपको डिविजिबल बाय मान लो 22 आ गया, तो 11 और 2 का देख लोगे। आया समझ में, ठीक। अब आते हैं किस पे, 11 पे। ठीक है, तो 11 पे क्या करते हैं हम बेसिकली, जैसे सम ऑफ, नहीं भाई देखो इसको एग्जांपल से समझो। जैसे मेरा ये नंबर था, क्या नंबर था, 7 6 1 0 1 4, ठीक ये नंबर था। पीछे से पीछे वाला नंबर पकड़ो, क्या पकड़ा, और इसके हर एक अल्टरनेट का सम करो, 7 प्लस 0 7, 7 प्लस 4 11 प्लस 0, और 11 प्लस 6 17, और इसके बाद कुछ है क्या, तो हमने यहाँ क्या लगाया, यहाँ पे मॉड लगाया। मॉड क्यों लगाया भी बताऊंगा, तो यहाँ पे क्या आया 17 ही आया था ना। अब इसमें से माइनस क्या करो, जो बच गए, बच गए क्या, ये 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 प्लस 1 1 प्लस 1, और 2 प्लस 7, ठीक है, और ये कितना आया 8 आया है ना। अगर ये 8 की जगह क्या क्या आ जाता, 0 आ जाता, या 11 का मल्टीपल आ जाता, क्या आ जाता 11 का, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 11 हो जाता। आया समझ में, यहाँ पे कितना आया 8, इसलिए ये नंबर डिविजिबल बाय, ठीक है। तो इसको ये बोल सकते हो कि हम मॉड के अंदर क्या करेंगे, अल्टरनेट नंबर्स का सम करके माइनस क्या करेंगे, जो बच गए उसका सम। अगर ये 0 आ रहा है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा, अगर 11 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो भी डिविजिबल बाय 11 होगा, और अगर कुछ और आ रहा है इसके अलावा तो डिविजिबल बाय 11 नहीं होगा। अब इस ट्रिक को यूज करके हम मल्टीप्लिकेशन बाय 11 बहुत आसानी से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय 11 क्या कर सकते हैं बहुत आसानी से, कैसे, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 12 × 11 करना है, क्या करना है, अब यहां पे जो भी नंबर आएगा, ठीक है, जो भी नंबर आएगा उसमें क्या होना चाहिए, ये दोनों का जो भी होना चाहिए क्या सम, वो इसके बराबर होना चाहिए, या फिर तभी वो माइनस होके क्या बनेगा 0 बनेगा, या फिर ऐसा नंबर होना चाहिए कि जब इन दोनों के सम में से इसको घटाए तो वो क्या आ जाए 11 आ जाए। आया समझ में। अब देखो जब यहाँ पे हमको 12 को किससे मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो यूनिट डिजिट तो देखो 1 × 2 क्या आएगा, 1 × 2 3 आएगा। वाह बहुत बढ़िया, किसने बोला, तालियां बजाओ सब इसके लिए एक बार, ठीक। 1 × 2 क्या आएगा, यूनिट डिजिट 2 है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका ट्रिक ये होता है कि अगर जैसे मुझे एक नंबर क्या है 12, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो मैं ये जो 1 है इसको यहाँ रखूंगा और ये जो 2 है इसको यहाँ रखूंगा, और इन दोनों का जो सम है 3 उसको बीच में रख दूंगा। ये मेरा आंसर हो गया, क्या हो गया 132, हाँ सिर्फ 11 के केस में है ना। जैसे मैंने आपको बोल दिया 14 × 11, तो क्या करेंगे 1 इधर रखेंगे 4 इधर रखेंगे और इन दोनों का सम, बोलो हाँ या ना। मैंने बोल दिया 29 × 11, क्या बोल दिया 29 × 11, तो इसको क्या बोलेंगे 2 इधर लिखेंगे 9 इधर लिखेंगे और 9 और 2 मिलके क्या बनेगा 11, तो ये 11 का 1 लिखेंगे और ये कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, बोलो हाँ या ना। आया समझ में। अब इसको समझने की एक और तरीका है, जैसे ये हमने ये किया वैसे एक और तरीका है, क्या तरीका है, अल्टीमेटली हमको अल्टरनेट डिजिट्स का सम क्या चाहिए,
अल्टरनेट डिजिट का सम माइनस जो बच गए उनका क्या चाहिए, जीरो चाहिए या इलेवन चाहिए, है ना। तो हम मैं ये भी कह सकता हूँ, सपोज अगर मुझे क्या करना है 12 इंटू 11 करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखो यहाँ मैंने 2 से चालू किया क्योंकि यहाँ पे आखिरी डिजिट क्या था 2, बोलो हाँ या ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है 1, तो ये 2 में मैं क्या जोड़ूंगा, तो यहाँ मैंने कर दिया 3 और ये 1 का 1 लिख दिया। अब ये ट्रिक कहाँ काम करेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक बहुत बड़ा नंबर आ गया क्या 121 इंटू 11 करना है, बोलो हाँ या ना। तो मैंने क्या किया, ये जो 1 है इसको यहाँ यहाँ लिखा, बोलो हाँ या ना। उसके बाद ये 1 प्लस 2 किया कितना आया, बोलो हाँ या ना। और ये 2 प्लस 1 कर दिया क्या आया, बोलो हाँ या ना। और ये 1 का 1 रख दिया। ये ट्रिक समझ में आई क्या नहीं समझ में आई? देखो हमने क्या किया, इसको आप वैसे भी कर सकते हो, आप क्या करोगे इधर 12 लिखोगे इधर 1 लिखोगे, और 12 और 1 कितना होता है 13, तो 13 का 3 लिखोगे और 1 कैरी फॉरवर्ड जाएगा, तो आंसर क्या आएगा वही आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक अलग चीज समझाना चाह रहा हूं कि यहां पे क्या है, अगर मुझे आपको करना है 121 इंटू 11 तो इसको और कैसे सोच सकते हो, हमारे पास लास्ट डिजिट क्या था 1, तो हमने स्टार्ट कहां से किया 1 से, फिर हमने क्या किया 1 प्लस 2 कर दिया तो यहां पे कितना आया 3। अब ये प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको डिफरेंस क्या चाहिए, या तो 0 चाहिए या तो 11 चाहिए। फिर यहां पे क्या करेंगे 2 प्लस 1 ये 3 रखा, अब बच गया सिर्फ क्या 1, तो 1 का 1 यहां रख दिया। जैसे मुझे करना था 249 इंटू 11, ठीक क्या करना है 249 इंटू 11, तो देखो 9 से स्टार्ट करेंगे, बोलो हाँ या ना। फिर 9 प्लस 4 कितना होगा 13 का 3 लिखेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 4 प्लस 2 क्या होगा 6 और 1 क्या बनेगा 7 और बच गया क्या 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब बात समझ में आ रही है, ठीक है ये लिखना है, ठीक है हाँ ठीक है ये समझ में आ गया। तो हमने ये जो हमने डिविजिबिलिटी रूल बाय 11 सीखा था, डिविजिबिलिटी रूल बाय 11 इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में कैसे कन्वर्ट किया, ये बात समझ में आई? हाँ अल्टीमेटली अगर समझ में नहीं भी आई है तो बस ये दो चीजें याद रखना कि अगर हमें किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 11 करना है तो उसी नंबर से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे सम करेंगे और फिर जो बच गया वो लिख देंगे, बोलो हाँ या ना, ठीक। चलो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। हाँ चलो इसमें आते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फिर बाकी की कल की क्लास में और इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 63 है ना, क्या बोल रहा है एक मिनट, सिक्सटी टू क्या बोल रहा है, एक 10 अंकों की संख्या क्या है 7, लिख देता हूँ यहाँ पे 7 5 4 6 2 ए 9 7 बी और 6, ये डिविजिबल क्या है 72, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है 8 ए और 4 बी की, ठीक है। देखो मैं 72 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 8 × 9 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, ठीक। अब जब 8 × 9 लिख दिया मैंने तो ये जो संख्या है ये मेरी 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 9 से भी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे सबसे पहले अगर मैं 9 पे जाता हूँ डिविजिबल बाय 9, तो मुझे इन सब का डिजिटल सम लेना पड़ेगा जिसमें ए और बी दोनों आएंगे, ठीक है। तो मतलब मैं अभी कोई एक एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं पहले 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ। 8 के लिए क्या होना चाहिए, आखिरी के ये जो 3 डिजिट्स हैं मतलब 7 बी और 6, ये क्या होने चाहिए डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए, ठीक। अब बी की वैल्यू मैं क्या क्या रख सकता हूँ, सबसे छोटी संख्या में 0 रख सकता हूँ, 1 2 3 और ऐसे लेके 9 तक रख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं 7 0
706 को 8 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो 8 जा क्या आया 64, तो कुल मिला के यहाँ क्या बना 66 बना, ठीक है। सपोज मैं बी की वैल्यू 1 रखूंगा, यहाँ पे बी की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 76 बनेगा, जो कि फिर से 8 से डिविजिबल नहीं है। फिर अगर मैं बी की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूंगा, 2 रखूंगा तो यहाँ पे 86 आ जाएगा, 86 में 80 चला जाएगा, 6 बच जाएगा, मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है। और यहाँ पे मैं अगर b की वैल्यू 3 रख दिया है ना, 3 रख दिया मैंने सपोज, तो ये 736 आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 96 बचेगा। तो 96 कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8 है, ये तीनों नहीं है, है ना। 96 कैसे 80 और 16 से, अल्टीमेटली मतलब मेरी b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब जैसी मेरी b की वैल्यू 3 आ गई तो मैं 9 के लिए डिजिटल सम लगा दूंगा। तो देखो 9 के लिए मुझे डिजिटल सम क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो देखो एक 9 तो ये कट गया, एक 9 ये कट गया, फिर ये 4 और 5 मिलके 9 कट गए, ये 2 और 7 मिलके 9 कट गए, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा 6 और 6 12, 12 और 7 क्या 19, और b की वैल्यू मेरी 3 आई, मतलब कुल मिला के कितना 22। तो कुल मिला के 22 प्लस a मेरा क्या होना चाहिए 9 का वो होना चाहिए, मतलब नेक्स्ट मल्टीपल। तो 22 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल क्या आता है 27 आता है, तो a मतलब मेरा कितना आ गया 5 आ गया। तो जैसे ही मेरा a 5 आ गया तो मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये कितना आया 8 पंजे 40 माइनस 4 दिया 12, और इसका रूट मतलब रूट ओवर 28 मेरा ऑप्शन नंबर ए सही आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसी पे बेस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में कुछ पहले क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे हम मतलब आगे का थ्योरी पढ़ के फिर और उस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस ये करेंगे, ठीक है। तो आज हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक, ओके।